नमस्कार। जो बहुत बार कहा गया है कि 4,32,000 वर्ष यानी एक कलयुग होता है, उससे दुगुना द्वापर युग, कलयुग से तिगुना त्रेता युग और कलयुग से चार गुना कृतयुग रहता है। ये सारी कालगणना है, इसमें आइए। यह है दशक सहावा, छठवां दशक और समाज चौथा, ब्रह्म निरूपण। इसमें ब्रह्म का निरूपण किया गया है और इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे जो हजार साल है या हजार युग होने के बाद उसका ब्रह्म का कुछ एक दिन होता है, फिर उसके 1,000 दिन होने के बाद विष्णु का एक दिन होता है, वैसे ये सारी चीज़ें कालगणना, फिर उसके 1,000 दिन होने के बाद शंकर का एक दिन होता है, ये इन सब होने के बाद वो देवी का आधा पल होता है, ये सारी कालगणना है। लेकिन ब्रह्म तत्व जो रहता है वो वैसे रहता है, कितने सारे युग आते हैं जाते हैं, कितने सारे ब्रह्मांड आते हैं जाते हैं, कितनी सारी सृष्टियाँ हमारे जैसे, कितनी सारी चीज़ें आती और जाती है, मानव जात वगैरह ऐसे बहुत सारे होंगे, अभी आज तक तो कितने आके चले गए उसकी गणना ही नहीं। तो वो पराब्रह्म तत्व है, ये हमें जानने का, आत्मज्ञान मिलाने का, यही हमारे जिंदगी का लक्ष्य है। और जो इस लक्ष्य को प्राप्त करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ ब्रह्मम जानाति सह ब्राह्मणा, इसमें आखिरी ओवी में आया है, ठीक है। चलो हम देखते हैं। श्री राम कृतयुग 17,28,000, कृतयुग में 17,28,000 साल रहते हैं। त्रेतायुग 12,96,000, त्रेतायुग में 12,96,000 वर्ष रहते हैं। द्वापर 8,64,000, द्वापर युग में 8,64,000 साल रहते हैं। आता कलयुग है, अभी कलयुग का सुनिए। कलयुग 4,32,000, कलयुग में 4,32,000 साल रहते हैं। चतुर्युगे 43,20,000, चारों युगों का 43,32,000 साल होते हैं। ऐसे चतुर्युग सहस्त्र, ऐसे 1,000 चतुर्युग होते हैं तो ब्रह्माचा एक, वो ब्रह्म का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्म सहस्त्र देखा तेव्हा विष्णुची एक घटिका, ऐसे ब्रह्म के सहस्त्र साल होते हैं तब विष्णु की एक घटिका होती है। विष्णु सहस्त्र होता एका पर एक ईश्वराचे, विष्णु के सहस्त्र साल होने का शिव जी का एक पल होता है। ईश्वर जो है सहस्त्र, इस शिव के 1,000 साल होते हैं ते शक्ति से अर्वा, तो वो आदि माया आदि शक्ति जो रहती है उसके अर्धा पल होता है, ऐसी संख्या बोली थी सकल शास्त्र, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में ये कालगणना दी है। चतुर्युग सहस्त्राणी दिनमेकम पितामह सहस्त्राणी विष्णु घटिकमेव, विष्णु एकम सहस्त्राणी फलम एकम महेश्वरम, महेश्वर सहस्त्राणी शक्तेरार्धम फलम भवेत, ये दिया हुआ श्लोक और उसकी उसके ऊपर से ये सारे शास्त्र आधार से लिखा गया है। ऐसा अनंत शक्ति होती, अनंत रचना होती जाती तरी अखंड खंडेना स्थिति पर ब्रह्मा जी, ऐसे कई सारी शक्ति है, आदि शक्ति जैसे दूरा ऐसे कई सारी, यहाँ पे इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाएगा, वहाँ पे भी अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाएगा, इसलिए आई में अब देखिए ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। अनंत शक्ति, अनंत रचना तरी अखंड खंडेना स्थिति पर ब्रह्मा जी, लेकिन जो अखंड है जिसको तोड़ नहीं सकते ऐसा परमात्मा हर जगह है, हरदम ओष शुद्ध परिपूर्ण और ताजा तवाना रहता है। परब्रह्मा की स्थिति ऐसे ही रहता है परब्रह्मा तत्व। परब्रह्मासी कैची स्थिति परि है बोला वया चीज रीति वेद श्रुति नीति नीति परब्रह्म, वो क्या बोलने का, कैसे उसका उदाहरण लेने का, कैसे उसकी क्या बोले अपने, हमारे पास शब्द नहीं, वेद श्रुति नीति नीति परब्रह्म, इसलिए वेद और श्रुति न इति इतना नहीं इसके भी परे, इतना नहीं इसके भी परे, ऐसे कहते हैं इसको परब्रह्म, ऐसा परब्रह्म तत्व। 4,760 इतु की कलयुगा ची राहटी उरल्या कलयुगा ची गोष्ठी ऐसे थे। अभी क्या कह रहे हैं कि अभी 1541 साल हो चुके हैं और कलयुग की बाकी के एक साल बचे हुए 4,27,000 दोनों से 40 संवत्सर पूरे अन्यो विन्य स्वर संकर होना रहे। इसका मतलब है कि कलयुग की
4,27,000 240 साल हो चुके हैं और बाकी के सब बचे हैं। उसके बाद में अंतिम वर्ण संकर होना है। वर्ण संकर का मतलब है कि जैसे हर जीव में, जैसे मानव जाति में भी कोई देव जैसे वर्ताव करेंगे, कोई मानव जैसे वर्ताव करेंगे, कोई राक्षस जैसे वर्ताव करेंगे, यानी मानव जाति ने मानव जाति जैसे रहना चाहिए, आदमी ने आदमी जैसे रहना चाहिए, लेकिन कोई देव जैसा बर्ताव करके, कोई मानव जैसा बर्ताव करके, कोई राक्षस जैसा भी बर्ताव करने लगे, यानी एक ही मानव जात में ऐसा वर्ण संकर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है, कोई बुड्ढा कुछ भी बोलता है वर्ण संकर के बारे में, लेकिन असली मतलब यह है, ऐसे रचले सचराचर इथि एकाउन एक थोर पहाता इथिचा विचार अंत न लगे। ऐसे बहुत सारे चर और अचर, चलने वाले न चलने वाले बहुत सारे होते, और कोई छोटे रहते हैं, कोई बड़े रहते हैं, हम उनको कहते हैं, लेकिन जो आने वाला है वो जाने वाला है, और वो सबका इतनी सारी चीजें कि अंत ही नहीं रखता उनका। एक मणती विष्णु थोर, एक मणती थोर, एक मणती रुद्र थोर, एक मणती शक्ति थोर, सकड़ मे कोई बोलता है कि विष्णु अच्छे सबसे बड़ा, कोई बोलता है कि रुद्र शंकर बड़ा है, कोई बोलता है कि शक्ति थोर रहते सब में। स्वामी जी इसमें ऐड करते, कोई किसी की जयंती मनाता है, कोई किसी का पुण्यतिथि मनाते, आज स्वातंत्र दिन है, कल ये दिन है, कभी वो दिन है। सच पूछा जाए तो हर क्षण हर घड़ी स्वतंत्रता, यानी हमारा ब्रह्म तत्व से मिलना हर क्षण हर घड़ी होते रहता है, सच पूछा जाए तो। ठीक है, ऐसे आपला लेली परी बोलती, परंतु अवघेची नासले कल्पांती, यदृष्टम तम नष्टम, हे श्रुति बोलत असे कि यदृष्टम तद नष्टम, जो दिखता वो और जो नहीं दिखता वो भी नष्ट होने वाला है, ऐसे श्रुति कहते हैं। कल्पांत में सबका सब नष्ट होने वाला, इवन सारे देव, सारे सारी की सारी शक्तियां भी नष्ट होने वाली। ठीक है, आपुलाली उपासना अभिमान लागला जना, याचा निश्चय निवड़ेना साधु विना। साधु ही जानते हैं, हमको लगता है हमारी साधना अच्छी है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारी जाति अच्छी है, हम ऐसे है, हम वैसे है, हम अमीर है, हम गरीब है, हमारी ऐसी है वैसे। अरे बाबा, सब लोग मरने वाले, सब मानव है आखिर में। वो साधु जो रहता है, जिसने ब्रह्मों का तत्वों को जाना है, वही समझ सकता है ये सारी चीजें। साधु निश्चय करी थी, एक आत्मा सर्वत्र व्यापक है, ये रहे अवघेची माई का सचराचर। साधु लोगों को पता रहता है कि आत्मा सर्व व्यापक है, और बाकी की ये मृग जल है, माई का सर चराचर रचना है, चलने वाले न चलने वाले, स्थिर अस्थिर जो सारी चीजें है, वो सारी की सारी सारी चीजें हमारी कल्पना है, मृगजल है। लेकिन किसी ने बोला अच्छा कल्पना है क्या, आके मेरे को ऐसे उसने ऐसे ऐसे किया, मैंने बोला अरे मैं आदमी हूँ, मुझे कुछ क्षण के लिए वो फीलिंग होता है। अरे हर चीज को ये काट के रख देंगे इसको, ये जो है ना इसको इसकी ABCD बता देंगे, ये जो है इसमें समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है कि आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए, ऐसा इनका कहना है। साधु निश्चय करी थे एक आत्मा सर्वत्र व्यापक, ये रहे हे अवघेची माई का सचराचर। चित्री लिहली सेना त्यात कोण थोर कोण साना, हे तुम्ही विचाराना विचाराना अपलेट है कि एक चित्र निकाला है, उसमें कोई पूरी सेना निकाला है, कोई श्रेष्ठ कोई कनिष्ठ, कोई राजा कोई रंक, कोई ऐसा कोई वैसा, वो सब नष्ट होने वाले। अपने ठाई यानी अपने जगह रह के आप विचार करके देखिए, बुद्धि स्थिर मन स्थिर रख के आप विचार करके देखिए एक बार, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे। स्वप्नी स्वप्नी उदंड देखिले, लहान थोड़े कल्पले, परंतु जागे जालिया जाने कैसे पा। स्वप्न में रहते, इवन हम लोग जब जगे हुए रहते तभी भी हम एक प्रकार से निद्रिस्त अवस्था में रहते, लेकिन जब हम लोग ऐसा कर गए, अरे मैं कहाँ पे हूँ, ऐसे जो कहते हाँ, तब ऐसे खुद को जागरूक करके आप देखिए तो पता चलेगा कि अरे इसको असली जागरूक अवस्था कहते, कि उदंड इतनी सारी चीजें लहान तो छोटे बड़े वो सारी कल्पना है, लेकिन ऐसा ऐसे कहने किसी ने एक स्विच वो दे दो तो फीलिंग होने वाला है। ठीक है, तो सुई की जगह आप और बड़ी बड़ी चीजें भी लग सकते, तो हमें वो स्वप्न रचना के बाहर आके योगी भक्त बन के सारे कर्म ही पूजा ऐसे जगह ऐसे रह के निर्वैर बुद्धि से किसी से भी वैर न लेते हुए हमें अच्छा काम करने का, और आखिर सब कुछ आने का ही है। ऐसे स्वामी माधवनाथ भी कहते हैं कि कोई भी रहा नहीं, यहाँ पे सब गए,
तो हमें जाना है तो अच्छा काम करके जाना है। अवघाची माईक विचार कैसे लहान कैसे थोर लहान थोड़ा सा निर्धन जानती ज्ञाने, ये सब आपने हमने मानव जाति ने किया हुआ सारी चीज़ें, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन असली ज्ञानी होके अच्छा काम कीजिए। जो जन्मास येऊन गेला तो मी थोर म्हणताच मेला, पर याचा विचार पहला पाहिजे सृष्टी। अरे जो थोर था अच्छा बड़ा आदमी कहते थे वो भी तो मर गए, तो फिर असली बड़ा कौन है? परमात्मा तत्व। उसको छोटा बड़ा उससे भी छोटा क्या है? सबसे बड़ा परमात्मा तत्व, सबसे छोटा परमात्मा तत्व है। देखिए जो जन्मास येऊन गेला तो मी थोर म्हणताच मेला, पर याचा विचार पाहिला पाहिजे सृष्टी। श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन? जो ब्रह्म जानता है। श्रेष्ठ और एक शब्द आ गया, ज्ञानी सन्यासी योगी भक्त श्रेष्ठ। देखिए एक ही आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञ, एक ही कैवल्य प्राप्ति वाला आदमी, ऐसा मुक्त आदमी श्रेष्ठ। एक ही शब्द यानी एक ही अवस्था को इतने सारे शब्द है। जयाशे जाले आत्मज्ञान ज्ञान तेची थोर महाजन वेद शास्त्री पुराण साधु संत बोलेले। जिसको आत्मज्ञान हुआ है उसी को महाजन कहते हैं, ऐसे शास्त्र और पुराण में और साधु संत भी कहते हैं। देखो श्रेष्ठी महाजन साधु संत सब सन्यासी एक ही शब्द आया है, एक ही अवस्था को कहा गया। एवं सकाळ मध्ये थोर तो एक ही परमेश्वर त्यामध्ये हरिहर होती जाती, एक सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है उसमें हरि और हर आते और जाते रहते, ऐसे बहुत सारे देव आते और चले जाते। तो निर्गुण निराकार तेथे ना उत्पत्ति विस्तार स्थान मानाच विचार अहिली कड़े। यहाँ पे क्वांटम मेकैनिक्स है कि स्थान और मान, यानी स्थान यानी एक स्पेस और टाइम आ गया है इसमें, और कोई मान यानी कोई श्रेष्ठ कोई कनिष्ठ आया है, लेकिन परमात्मा निर्गुण और निराकार है। उत्पत्ति और विस्तार, उत्पत्ति हो गया जैसे बिग बैंग में छोटा सा हिरण्यगर्भ था, उसका विस्तार हो गया, बहुत सारी आकाशगंगाएं निर्माण हुई, बहुत सारे यूनिवर्स भी निर्माण हुए हैं, यानी ब्रह्मांड निर्माण है, उसके भी परे है परमात्मा। बस नाम नाव रूप स्थान माना, हा तो अवघाच्य अनुमान, तथा होइल निदान ब्रह्म प्रलय। जब ब्रह्म प्रलय होगा, जब प्रलय होगा तब सारी की सारी चीज़ें उसमें नष्ट हो जाना, सारे देव सारी स्थिति सारे बहुत सारी आकाशगंगाएं सब नष्ट हो जाने वाली। लेकिन वो परमात्मा तत्व तो हरदम ताजा तवाना रहता है और रहता ही रहता, वो खंडित नहीं होता, टूटता नहीं फूटता नहीं आता नहीं जाता नहीं, वो है ही है। नेति नेति कहते बाद में कि ये हम लोग उसका विस्तार से वर्णन नहीं कर पाते। करती ब्रह्म निरूपण जानती ब्रह्म संपूर्ण तेची जाना है ब्राह्मण ब्रह्मविद। ठीक है, ब्रह्म प्रयाळा वेगळे ब्रह्म नाव रूपा निराळे ब्रह्म कोणी एका काळे जैसे तैसे, ब्रह्म वैसे ही रहता है। अभी मैंने बताया करती, अभी जो हरदम कहता है यह ब्रह्म जानती सह ब्राह्मण, वो यहाँ पे आया। करती ब्रह्म निरूपण जानती ब्रह्म संपूर्ण तेची जाना है ब्राह्मण ब्रह्मविद, कि जो ब्रह्म निरूपण करते हैं ब्रह्म का निरूपण करते हैं जो संपूर्ण ब्रह्म जानते हैं उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं, तेची जाना है ब्राह्मण ब्रह्मविद, उनको ब्रह्मविद कहते हैं। कोई भी उठता है और एकादश श्लोक कहता है उसको ब्राह्मण कहता है, ऐसा नहीं, यहाँ पे स्पष्टता से कह रहे हैं। स्वामी जी तो इसके परे जाते थे, वो कहते हैं जो ब्राह्मण है दक्षिणा है तो उसको कैसे ब्राह्मण कहेंगे, बहुत वो तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे कि अपना काम अलग है जॉब अलग है और ब्रह्मता अलग है। उनका खुद का कपड़े का व्यापार था, और ये भी कहते थे कि हर 3 साल में उनका कम से कम दुगुना उनका प्रॉफिट बढ़ते रहता है, अच्छी तरीके से ईमानदारी से भी किया फिर भी ठीक है, MRP पे बेचा फिर भी। देखिए यानी ईमानदारी से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, ईमानदारी से अपना जॉब भी कर सकते हैं, ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी सकते हो, आत्मज्ञानी हो सकते हैं। और जो यहाँ ब्रह्म जानती सा ब्राह्मण वो इस ओवी से आए, करीती ब्रह्म निरूपण जानती ब्रह्म संपूर्ण तीजी जाना है ब्राह्मण ब्रह्मविद। केवल मैंने संस्कृत में छोटा सा बोल दिया कि यहाँ ब्रह्म जानती सा ब्राह्मण, वो भगवान की कृपा से। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे ब्रह्म निरूपण नामक समास चौथा। चलो हम ऐसे ब्रह्मविद होने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।